रिगार्डिंग द सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, एक सिचुएशन ली थी जिसमें मैंने बोला कि लेट अस टेक एन इकोनॉमी विच कंप्राइजेज ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर सेक्टर, और कोई दूसरा सेक्टर नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर है और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. सो इस इकोनॉमी में जो हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में फ्लोज होंगे, देयर विल बी इंटर सेक्टोरल फ्लोज, जिसको हम इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सेक्टर्स भी बोलते हैं. इसको ही रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. तो मैंने आपको ये बोला कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर होता है वो होता है ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितनी भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड टैलेंट होगा वो किसके पास होगा, सारा हाउसहोल्ड सेक्टर के पास, आपके और मेरे पास, ठीक है, कंज्यूमर्स के पास. पर उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो यूज है वो यूज किसने करना है, प्रोड्यूसर ने. यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो करना है वो प्रोड्यूसर ने करना है. अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसहोल्ड के पास है और वो प्रोड्यूसर को चाहिए, तो हाउसहोल्ड सेक्टर विल सप्लाई, हाउसहोल्ड सेक्टर विल सप्लाई दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये जो सप्लाई होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ये हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाने वाली है, ठीक. और प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा. अब बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा. लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फ्री में नहीं दिए. इसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर विल हैव टू पे फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए प्रोड्यूसर सेक्टर ने, उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर कॉस्ट अदा करेगा, पेमेंट करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर को, विच इज हाउसहोल्ड सेक्टर. और लैंड के बदले रेंट दिया जाएगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट. सो आपने ये देखा, दिस सर्कुलर फ्लो रिलेट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स पेमेंट, तभी हम इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट. सो व्हाट इज अ फैक्टर मार्केट? फैक्टर मार्केट एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी जगह है जहां पर हाउसहोल्ड सेक्टर जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उसकी सप्लाई प्रोड्यूसर सेक्टर को करते हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के लिए उसकी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट करता है हाउसहोल्ड सेक्टर को. सो दिस इज अ फैक्टर मार्केट वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सप्लाइड एंड इट्स पेमेंट इज मेड, ठीक है. और आपने यहां पर एक और चीज नोट करनी है, वो ये कि दिस सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज इज अ रियल फ्लो. इट इज अ रियल फ्लो क्योंकि यहां पर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो या कोई गुड्स प्रोवाइड करोगे. एंड ये जो फैक्टर पेमेंट्स हैं जो प्रोड्यूसर ने हाउसहोल्ड को करी, ये एक मनी फ्लो है. क्या है ये? मनी फ्लो. सो देयर इज अ फैक्टर मार्केट जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेन देन होता है, उसके बदले पेमेंट की जाती है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई को हम रियल फ्लो बोलते हैं बिकॉज इट रिलेट्स टू गुड्स एंड सर्विसेज. एंड जो प्रोड्यूसर ने पेमेंट करी है फैक्टर्स की सर्विसेज के बदले हाउसहोल्ड सेक्टर को, दैट इज सेटल इन द फॉर्म ऑफ मनी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट. सो देयर इज अ रियल फ्लो एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज अ मनी फ्लो. क्लियर हुआ यहां तक? ऐसा ही एक और सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो होगा इन्हीं दो सेक्टर्स के बीच में. अब जो प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया, यूज करके प्रोड्यूसर ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए होंगे, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, वो किसके लिए बनाए हैं? वो बनाए हैं हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए, बिकॉज हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर इट्स कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट करता है, डिमांड करता है. तो हमने बोला द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांडेड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर एंड दे आर सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर. तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हाउसहोल्ड सेक्टर करता है,
उन सभी को प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूस करके वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे देता है? हाउसहोल्ड सेक्टर को। तो यहां पर आपको दिखेगा एक फ्लो, जिस फ्लो में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर देगा हाउसहोल्ड सेक्टर को, और हाउसहोल्ड सेक्टर उसकी कंजम्पशन करेगा। तो देयर इज अ प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड देयर इज अ कंजम्पशन बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर। लेकिन क्या प्रोड्यूसर सेक्टर फ्री में ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा? क्या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको फ्री में मिलते हैं? नहीं। तो एज अ कंज्यूमर यू हैव टू पे सम कॉस्ट टू गेट दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउसहोल्ड सेक्टर इन गुड्स को खरीदने के पैसे प्रोड्यूसर सेक्टर को पे करेगा। तो यहां पर होगी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में एक और सर्कुलर फ्लो क्रिएट हुआ, जिस सर्कुलर फ्लो में सिर्फ सिर्फ क्या चीज रिलेटेड है? प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट। इसको प्रोडक्ट मार्केट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है और उसके बदले उसकी पेमेंट चुकाई जाएगी। सो प्रोडक्ट मार्केट, और पहले हमने पढ़ा फैक्टर मार्केट। अब इस प्रोडक्ट मार्केट में भी आपको यहां पर एक रियल फ्लो नजर आएगा। This is a real flow. Why this is a real flow? Because goods and services are being supplied by the producer to the household sector. And इस real flow को settle करने के लिए there is a money flow. पैसा भी तो देना पड़ेगा household sector को, producer sector को. तो producer sector real flow के द्वारा goods and services supply करता है household sector को, और household sector money flow के द्वारा payment करता है उन्हीं goods and services. So this is how the household sector and producer sector are interdependent on each other. They are related to each other and there is intersectoral flow. And flow is in the form of real flow and money flow. So यहां तक हमने जितना भी सीखा इसको एक बार पढ़ते हैं और थोड़ा सा revise करते हैं। Money flows are reciprocal of real flow. Real flow को settle करने के लिए money flow आवश्यक है। देखो मैंने आपको बोला था एक बाटर सिस्टम होता था। बाटर सिस्टम, बाटर इकोनॉमी क्या होती है? जिस इकोनॉमी के अंदर गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज चुकाई जाती है। पर दिस इज नॉट रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज नीड्स चेंज हो गई हैं, वांट्स चेंज हो गई हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी का यूज आ गया है। सो देयर इज नो मोर अ बाटर एक्सचेंज। एंड यहां पर जब भी कोई भी रियल फ्लो होगा उसको सेटल कौन करेगा? मनी फ्लो, उसके बदले पैसे चुकाए जाएंगे। जो आपने देखा, चाहे फैक्टर मार्केट थी चाहे प्रोडक्ट मार्केट थी, दोनों ही केस में जब भी रियल फ्लो हुआ उसको चुकाने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक मनी फ्लो था। सो मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ बार्टर सिस्टम, ओनली रियल फ्लोस प्रिवेल्ड इन द इकोनॉमी। हाउएवर सच अ सिस्टम वर्क्ड सक्सेसफुली ओनली व्हेन द ह्यूमन वांट्स वर लिमिटेड एंड द एक्सचेंजेस वर नॉट मल्टीपल। With the multiplicity of human wants and discovery of money as a medium of exchange, mutual exchange and intersectoral flows came to be expressed in terms of money. कहता धीरे धीरे जैसे जैसे human needs and want complex होने लग गई, multiply होने लग गई, और वहां पर हमने money को use करना start कर दिया, money की discovery की और उसको use करना शुरू किया as a medium of exchange, वहां पर barter exchange खत्म हो गया। And whenever there was a supply of goods and services, it had to be settled in the form of a money supply. So there are both real flows and money flows in the economy, and the real flows are often settled in the form of money flow. So real flow ko settle karne ke liye money flow zaruri hai. Now if you look at this flow chart or a diagram, to yahan par money flow aur real flow ko explain kiya hua hai, jo maine aapko abhi factor market aur product market mein samjhaya. So this is factor market and product market combined. And there are only two sectors, the producer sector and household sector. सबसे पहले क्या होगा? जो household sector है, वो factor input, factor services या फिर factors of production को supply करेगा। तो आपको ये दिखेगा कि household sector से factor services supply की जा रही है producer sector. So this is a factor market and this will be a real flow. ठीक है? अब इसी के ऑपोजिट, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज।
ठीक है। और ये क्या है, एक मनी फ्लो, दिस इज अ मनी फ्लो। तो ये जो आपने अभी दो फ्लोज देखे, ये क्या है, रियल फ्लो, मनी फ्लो ऑपरेटिंग इन द फैक्टर मार्केट वेयर देर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। ऐसा ही आपको फिर से फ्लो नजर आएगा इन्हीं दो सेक्टर्स के बीच में। वो कैसे, जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज लिए प्रोड्यूसर सेक्टर में, उसको यूज करके वो प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाएंगी हाउस होल्ड सेक्टर को। सो देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, एंड दिस विल बी रियल फ्लो बिकॉज यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाउस होल्ड सेक्टर दिखेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करेगा। सो देयर विल बी पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड दिस विल फॉर्म द मनी फ्लो। सो अगेन देयर इज गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी फ्लो, एंड बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स पेमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट मार्केट। तो हमने फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, रियल फ्लो और उसके मनी फ्लो को बहुत क्लियरली समझ लिया। अब और थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसी चीज को, सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं टू सेक्टर इकोनॉमी के कॉरेस्पॉन्डेंस में। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्राइजिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड देयर इज अ सिस्टम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर इनपुट्स ऑन वन हैंड। तो एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की सप्लाई होगी, और दूसरी तरफ इनकी पेमेंट होगी, पेमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज एंड दीज फैक्टर इनपुट्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रियल फ्लो, उनकी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मनी फ्लो। नाउ देयर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोड्यूसर सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर और कंज्यूमर्स। एंड यहां पर एक बात आपको नोट करना है, द कॉन्सिक्वेंट म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन दीज टू सेक्टर्स मस्ट कंटिन्यू एज एन अनब्रोकन सर्कुलरिटी। तभी यहां पर हम बात कर रहे हैं सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो की, यानी कि जो ये फ्लोज अभी हमने पढ़े, रियल फ्लो, मनी फ्लो बिटवीन हाउस एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, ये सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो एक अनब्रोकन चेन की तरह चलेगी, यानी कि देर विल नॉट बी अ स्टॉपेज ऑफ दिस फ्लो। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर सेक्टर because production has to be undertaken, and there will be supply of goods and services from the producer sector to the household sector because consumption is a continuous process. Hum logon ko as human beings consumption of goods and services karne padte hain because we need to satisfy our daily needs and wants. So kyunki consumption ek continuous process hai aur us continuous process ko pura karne ke liye hamare ko production karni padegi, to ye jo production consumption है ये कंटिन्यूअसली चलेगी इन अ सर्कुलर फ्लो, एंड दिस विल लीड टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी। तो यहां लिखता है कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड देयरफॉर हाउसहोल्ड्स फॉर देयर सर्वाइवल विल ऑलवेज नीड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। दिस इंप्लाइज दैट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउसहोल्ड विल ऑलवेज रिमेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो दिस इज कॉजिंग द unbroken circularity of flow. Similarly, for the production of goods and services, the producer will always need to purchase the factor inputs or factors of production from the household. क्योंकि production करनी है, बिना factor of production के तो होगी नहीं, तो production करने के लिए, production को जारी रखने के लिए हमें factors of production की supply भी जारी रखनी पड़ेगी। This implies that there is a flow of factor services from household to the producer sector, and this will always remain as a continuous process. Now, this creates a twin demand and supply relationship between producer and household. और इसी कारण से producer sector और household sector के बीच में एक demand और supply का pattern रहेगा, relationship रहेगा, जहां पर factors of production will be supplied by the household to the producer, and goods and services will be supplied by the producer to the household, and these two real flows, abhi jo maine bole ye real flows hai, these two real flows will be settled in the form of money flows. Factor payment karega household sector ko, producer sector, rent, interest, wages, profit, aur
फिर से मनी फ्लो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करेगा हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलरिटी ऑफ लॉ और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट हैज टू बी सीन दैट बाय सेलिंग द फैक्टर सर्विसेज द हाउसहोल्ड अर्न्स मनी। ये बात आपको अब समझ आ गई होगी, क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर हम लोग कंज्यूमर्स ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के। तो जब हम यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर को, तो उसके बदले हमको कुछ इनकम मिलती है जिसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। एंड यही पैसा होता है, यही फैक्टर इनकम होती है जिसको हम यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। बिकॉज हम लोगों के पास पैसा कहां से आएगा, हम लोगों के पास जो इनकम है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स, उसी से हम पैसा यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट करेंगे। हेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी आल्सो बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर। तो एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज भी कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, और साथ साथ मनी फ्लो भी उसको सेटल करने के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। लास्ट में हम ये बात समझ चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो इन द वन डायरेक्शन देयर इज मनी और इनकम फ्लो फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज रियल फ्लो को सेटल करने के लिए आज के देश में, आज की इकोनॉमी में, आज के समय में क्या यूज होता है, पैसा या मनी, ठीक है। नाउ एक लास्ट पॉइंट आप ये भी समझ सकते हो, द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर नेवर स्टॉप इन द इकोनॉमी, दे कीप चेजिंग वन अनदर इन अ सर्कुलर मैनर। इसको समझो, लास्ट पॉइंट जो हमें अब समझना है सर्कुलरिटी में वो ये है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फ्लोज द फर्स्ट स्टेज विल बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेस, जिसको हम इनकम जनरेशन भी बोल सकते हैं, इनकम जनरेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड, ये जितनी भी इनकम जनरेट हुई है या फिर वैल्यू एड हुई है, वैल्यू एडिशन भी कह सकते हो आप इसको, वॉट एवर वैल्यू इज एडेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे इनकम जनरेट होती है। बिकॉज आप जब गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हो तो उसकी कीमत तय हो जाती है बाजार में, और उस कीमत को फिर आप रिसीव करते हो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो ये इनकम जनरेट की है प्रोड्यूसर सेक्टर ने, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। जो कुछ भी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पैसा आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो जितना भी इनकम जनरेट किया है अल्टीमेटली वो इनकम किसकी होगी? कुछ पैसा रेंट के रूप में दे दिया जाएगा, कुछ इंटरेस्ट, कुछ वेजेस, और कुछ बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट रख ले। सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम विच वॉज जनरेटेड। तो जितनी भी इनकम यहां पर जनरेट होती है उसकी बाद में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। और थर्ड स्टेज में ये जितना भी पैसा किसके पास आया, ये सारा पैसा किसके पास आ जाएगा, हाउसहोल्ड सेक्टर के पास, कंज्यूमर के पास, और ये कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, इनकम। अब इस इनकम को वो क्या करेगा, डिस्पोज करेगा या स्पेंड करेगा। तो देयर विल बी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम और स्पेंडिंग, स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज और टू इनकर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जितना भी पैसा हाउसहोल्ड सेक्टर ने कमाया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, उस पैसे को वो यूज करके वही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको चाहिए अपनी कंजम्पशन करने के लिए, और बनाई किसने है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर में। सो देयर इज अगेन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग। तो इनकम जनरेट होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी और इनकम स्पेंड होगी। अगेन जो ये पैसा स्पेंड होगा
ये पैसा स्पेंड होके वापस किसके पास आ जाएगा? प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर अगेन उस पैसे को यूज करके फिर से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। फिर वो जो पैसा आएगा सर्कुलर फ्लो के थ्रू घूम कर वापस हाउसहोल्ड सेक्टर के पास आ जाएगा। तो जो पैसा हाउसहोल्ड देगा प्रोड्यूसर को, वही प्रोड्यूसर दे देगा हाउसहोल्ड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। So this is how this circularity of flow will never stop in the economy. As long as there is human beings in this world, as long as there is consumption in the economy, this flow will never stop. Okay?